खबर कोटा से है, जहां ओलावृष्टि से नष्ट हुई फसल के मुआवजे की मांग को लेकर किसान संघर्ष समिति ने जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री का नाम ज्ञापन सौंपा और फसल खराबी का आंकलन कर जल्द ही मुआवजा देने की मांग की। समिति के पदाधिकारियों ने बताया कि हाड़ोती में प्राकृतिक आपदा से खेत सहित मंडी में पड़े अनाज को पूरी तरह से खराब हो गया। ऐसे में अब किसानों को प्रशासन और सरकार से ही पूरी उम्मीद है। और आंधी तूफानों की वजह से वो जो फसल है वो फसलें काफ़ी बर्बाद हो गई है और उसमें लगभग 50% उसका नुकसान हुआ है। इसी तरह से जो है फसलें हमारी जो मंडियों में पड़ी हुई थी वहाँ पर जो है शेड पर व्यापारियों के अनाज पड़ा हुआ है और खुले में किसान का गेहूँ पड़ा हुआ है, सारी मंडियों में किसानों के जो है भारी मात्रा में नुकसान हुआ है। इसी तरह से जो है खेतों में और गाँवों में कल्याणों में और घरों के बाहर जो अनाज पड़ा हुआ है, तो बड़े पैमाने पर जो किसानों का नुकसान हुआ है, ये सरकार जो है वो हमेशा ही, पिछले बार भी हमने उड़द सोयाबीन में देखा है, एक पैसे का इन्होंने मुआवजा नहीं दिया है। इसी तरह से जो है अभी ये कागजी कार्यवाही कर रहे हैं, इन्होंने ये कह रहे हैं कि हम इसका सर्वे कर रहे हैं, ये केवल खाना पूर्ति कर रहे हैं, इसलिए आज इस प्रशासन पर राज्य। देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें A1 TV News, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पा सकें ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन।